हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GMAP विद सुजीत चौधरी में। उसको लेकर आया हूं एक नया वीडियो बेसिक पैरामेडिकल और एम्स रायपुर के लिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ढेर सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, नागलर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ऑप्शन नंबर बी क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंसिस, ऑप्शन नंबर सी क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल। तो दोस्तों, सबसे पहला क्या है नागलर रिएक्शन? तो ये क्या होता है नागलर रिएक्शन? टेस्ट होता है, इसमें होता है बायोकेमिस्ट्री यूज टू डिटेक्ट ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस द फॉस्फोलाइपेजेस। इसको दोस्तों हम नागलर रिएक्शन को हम और किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम कहते हैं लेसिथिनेज, लेसिथिनेज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए नागलर रिएक्शन किया जाता है। इसमें किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, और ये टेस्ट एक क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रम स्टिक अपीयरेंस ऑफ बैसिलाई इज सीन विद ऑप्शन नंबर ए क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, ऑप्शन नंबर बी क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रेंसिस, ऑप्शन नंबर सी क्लॉस्ट्रिडियम बॉट्यूलिनम या फिर ऑप्शन नंबर डी क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी इज अ कॉमन सॉइल बैक्टीरियम एंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटनस। वेजिटेटिव सेल्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी आर यूजुअली ब्रॉड शेप्ड एंड अप टू 2.5 μm लॉन्ग, बट दे बिकम एनलार्ज्ड एंड टेनिस रैकेट और ड्रमस्टिक शेप व्हेन फॉर्मिंग स्पोर्स। तो दोस्तों, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी जो है, इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 2.5 μm लॉन्ग होता है, रॉड शेप का होता है, और इसका साइज जो है ड्रम स्टिक या फिर टेनिस रैकेट की तरह का होता है जब ये स्पोर्स को फॉर्म करने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिपेनोमा पैलेडियम कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय माइक्रोस्कोपी इन ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी लेटेंट सिफिलिस या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑप्शन। तो दोस्तों, जो ट्रिपेनोमा पैलेडियम होता है ये किस स्टेज पे माइक्रोस्कोप से डिमोन्स्ट्रेट नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लेटेंट सिफिलिस स्टेज पे जो है इसको हम डिमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपी से। तो दोस्तों, ट्रिपैनोमा पैलिडियम जो है ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है सिफिलिस, और इसका जो बैक्टीरिया होता है वो किस शेप का होता है, वो होता है स्पाइरल शेप का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेवलर्स डायरिया इज कॉज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए एंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई, ऑप्शन नंबर बी एंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, ऑप्शन नंबर सी एंट्रो इनवेसिव इकोलाई, ऑप्शन नंबर डी वेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी एंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई की वजह से ट्रेवलर डायरिया यानी टीडी होता है। दोस्तों, ये क्यों होता है? ये होता है इन्फेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड की वजह से, जिसमें कि बैक्टीरिया वायरस और पैरासाइट हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है बैक्टीरिया से, और लेस कॉमन जो होता है पैरासाइट और वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइटोक्रोम्स आर
ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ऑप्शन नंबर बी एटीपी एक्सेप्टर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन एक्सेप्टर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दोस्तों साइटोक्रोम क्या करता है? ये जो है करता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का काम करता है। वो किसकी वजह से करता है? वो करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से, जिसमें जो है आयरन क्या होता है वो फैक्टर का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज डेली वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अबाउट, ऑप्शन नंबर ए 2 to 4 liter, ऑप्शन नंबर बी 4 to 6 liter, ऑप्शन नंबर सी 6 to 8 liter, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8 to 10 liter। तो दोस्तों जो एवरेज डेली वॉल्यूम होता है किसका, गैस्ट्रिक जूस का, वो कितना होता है? वो होता है 2 से 4 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइट्री ट्राइग्लिसराइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाई, ऑप्शन नंबर ए एलडीएल, ऑप्शन नंबर बी वीएलडीएल, ऑप्शन नंबर सी एचडीएल, या फिर ऑप्शन नंबर डी काइलोमाइक्रॉन्स। तो दोस्तों जो डाइट्री ट्राइग्लिसराइड होता है पीजी, इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो करता है काइलोमाइक्रोन्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें एलडीएल बीएलडीएल और एसडीएल का फुल फॉर्म के बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ लाइट पाथ ऑफ अ क्यूबिट इज, ऑप्शन नंबर ए 1 centimeter, ऑप्शन नंबर बी 2 centimeter, ऑप्शन नंबर सी 3 centimeter, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 centimeter। तो दोस्तों जो क्यूबिट होता है उसके लाइट पाथ का लेंथ कितना होता है? तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1 centimeter होता है। दोस्तों जो हम बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं क्यूबिट, उसका लाइट पाथ भी कितना होता है? ये होता है 1 centimeter। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर ए ओलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी लॉरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी ओमेगा 3 फैटी एसिड, या फिर ऑप्शन नंबर डी पामिटिक एसिड। तो दोस्तों जो हमारा कार्डियो प्रोटेक्टिव फैटी एसिड होता है वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ आइसो एंजाइम ऑफ सी पी के एच, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो दोस्तों जो हमारा सी पी के होता है यानी क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम, इसमें कितने आइसो एंजाइम होते हैं? इसमें होते हैं 3 टाइप के आइसो एंजाइम। कौन कौन सी? सी के एम एम, सी के एम बी एंड सी के बी बी। तो दोस्तों सी के एम एम जो होता है वो किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है स्केलेटल मसल्स में एंड हार्ट में। सी के एम बी दोस्तों किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हार्ट में। और ये बढ़ता है कब बढ़ता है? जब हार्ट की मसल्स डैमेज होती है। इसके साथ ही दोस्तों जो सी के बी बी होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्रेन में। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों इसकी जो मसल्स होती है किसकी? सी के बी बी में जो मसल्स होती है वो होती है बहुत ही स्मूथ, जैसे कि इंटेस्टीन और यूट्रस में होती है, सेम वैसे ही मसल्स सी के बी बी में होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं,
इससे आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।